अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के अमान में होंगे। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर लाइक किया करें, कमेंट भी किया करें। इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोग जो है ना बिल्कुल भी जो है ना प्यार नहीं दे रहे मेरी वीडियोस को। काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, व्यूज़ ही नहीं आ रहे मेरी वीडियोस पे। तो ज़्यादा से जो है ना मेरी वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इतनी मेहनत से बनाते हैं हम लोग वीडियो, बच्चों के साथ भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, फिर भी टाइम निकालना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो ज़रूर जो है ना वीडियोज़ पर जो है लाइक किया करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होता तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल की हर नई वीडियो जो है ना उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली जो है ना मेरी वीडियो जो है ना आप तक पहुंच जाया करेंगी। तो यहाँ पे जो है ना सुबह का टाइम था, आज मैं आपके सारे दिन की जो है ना रूटीन शेयर करने वाली हूँ। सुबह का टाइम था, नाश्ता बना रही थी, उसके बाद जो है ये नूरे यहाँ पे चलना स्टार्ट कर रही है तो इसलिए जो है ना काफ़ी खुश थी इसको चलाते हुए। तो अभी तो ये है कि चीज़ों को पकड़ पकड़ के चल रही है, अभी खुद से नहीं चलती है लेकिन ये इंशाल्लाह वो भी खुद से भी चलने लग जाएगी। तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पे इसको पकड़ के चलने में। अभी इसका म्यूज़िक नहीं चल रहा था, ऑफ था इसका, तो इस पर जो है ना वो सेल बैटरीज जो है ना वो डलने वाली है इसकी। तो अली को मैं बोल रही थी कि वो भी आप लाकर जो है ना इसकी बैटरी जो है ना चेंज कर दें ताकि ज़रा इंजॉय करते हुए जो है ना इसको अच्छे से वो सीख जाए चलना। पहले तो सर्दियाँ थी ना तो मैंने जो है ना इसको नीचे ही नहीं उतारा था बिल्कुल भी, तो बेड से या सिर्फ इसको वॉकर में बिठा देती थी मैं, तो बस ऐसे चलने के जो है ना नीचे क्रॉलिंग के लिए भी नीचे मैंने कभी नहीं बिठाया था इसको। लेकिन ये कि अब मौसम चेंज हो गया तो अब जो है ना इंशाल्लाह मैं इसको बिठा दिया करूँगी। और यहाँ पे जो है ना दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर के टाइम सबको भूख लग रही थी, तो फिर ये था जो पास्ता पड़ा हुआ था वाइट सॉस वाला, तो उसको मैंने जो है ना थोड़ा सा चेंजिंग करके ना उसको, तो मैंने जो है ना दोपहर में सबको फिर पास्ता दे दिया था। और ये वीडियो जो है ना मुझे पहले एडिट करनी थी, जबकि काफ़ी दिन पहले की ये मैंने वीडियो जो है ना रखी हुई थी लेकिन एडिट नहीं की हुई थी। और कल वाली जो है जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी वो मेरी उसी दिन की थी और मैंने वो वाली पोस्ट कर दी थी और ये रह गई थी। तो यहाँ पे जो है ना इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद जो है ना तो पता कि फ्रिज में रखने से ये काफ़ी थिक हो गया हुआ था ना, क्रीम जो थी इसमें तो थिक हो गया हुआ था ये पास्ता काफ़ी, तो इसको पानी डाल के मैंने जो है ना थोड़ा सा किया है, सॉफ्ट हो गया था जब ये, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना चाहिए। अब वाइट सॉस को इन्होंने खा ली है, अब इसको रेड सॉस बना लेते हैं हम। और यहाँ पे जो है ना ये वीडियो शूट करते हुए मुझे इशाल ने बहुत ज़्यादा तंग किया था, वो बोल रही थी कि मामा आप पीछे हट जाए, मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मैं करूँगी जो है ना आज वीडियो बनाती हूँ, आप मुझे शूट करें बनाते हुए। तो ये देखिए यहाँ पे लगी हुई है अपने, बस जो है ना मुझे देख के ना वही जो मैं बोलती होती हूँ, वॉइस ओवर करती होती हूँ, वही चीज़ें करती रहती है। तो कहती है मामा पीछे हट जाए आज मैं करती हूँ, तो मैंने कहा नहीं आप पीछे हो जाओ, क्योंकि मैंने कभी उसको चूल्हे के साइड पर नहीं कभी आने दिया, ना चूल्हे वाला कभी कोई काम करने दिया, अभी मैंने छोटी है वो, तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसको भगा दिया था, मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से मैं खुद ही कर लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से जो है ना पास्ता गर्म हो चुका था और सॉफ्ट भी हो गया था, तो फिर इसके इसमें जो है ना मैंने चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो ऐड कर दी थी, तो इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो गया था। दोनों जो है टेस्ट बहुत अच्छे थे, वाइट सॉस का भी और रेड सॉस मतलब होगी इसकी चिली गार्लिक पेस्ट जो है उससे भी इसका जो है ना बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ गया था और सबने बहुत मज़े से ये खाया था। और यहाँ पे देखिए रेड सॉस पास्ता जो है वो भी रेडी हो गया था और फिर हम सब ने ये खा लिया था, बहुत मज़े का बना था। तो इसके बाद जो है ना शाम के टाइम जो है ना उस दिन आपको मैं जैसे वॉइस ओवर कर रही तो आपको बताया होगा कि हम लोग जो है वो चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो है ना गोलगप्पे खाने के लिए आ गए थे।
तो ये उस दिन की वीडियो है जो कि मैंने इसी में ऐड कर ली है। तो इनके जो गोलगप्पे हैं ना बहुत ही मज़े के थे, और पहली दफ़ा मैंने जब मुझे अली ने खिलाए थे फर्स्ट टाइम, हालांकि हम यहीं से गुजर के जाया करते थे कैंट की साइड को, तो हम कैंट में जा खाते थे, लेकिन यहाँ पे कभी भी हम लोगों ने इनका टेस्ट नहीं किया था। लेकिन जब मैंने इससे पहले जब खाए तो बहुत मज़े के थे इनके, सही क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे से थे। तो मिठू गोलगप्पे वाला मैंने इनको थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो ये कि काफ़ी उन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ था इधर, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने कैप्स वगैरह भी पहनी हुई थी ऊपर, और बहुत मज़े के थे। ये एक प्लेट जो थी बच्चों की थी, एक मेरी और एक अली की थी। तो बच्चों से तो नहीं सारा खाया गया था, अली बोल रहे थे ज़्यादा ही मंगवा लिया हम लोगों ने। तो बस ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक शेयर जो है वो ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।